हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज सब हम लोग बात करेंगे स्टूडियो मास्टर के पीए सीरीज के एम्पलीफायर के बारे में दोस्तों, जिसका मॉडल नेम है PA.2 प्रोफेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों, चलिए इसके हम लोग फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो दोस्तों, एम्पलीफायर के बीचों बीच स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल का लोगो मिल जाएगा और उसके दाहिने और बाईं तरफ चैनल 1 और चैनल 2 का रोटरी बैरूम मिल जाएगा दोस्तों। और स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल के नीचे आप लोगों का पावर स्विच मिल जाएगा, जिससे एम्पलीफायर ऑन ऑफ होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें जो इंडिकेशन लाइट दिए हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इंडिकेशन लाइट में सबसे पहले ऑन, म्यूट, सिग्नल और लिमिटर और टेम्परेचर का इंडिकेशन लाइट मिल जाता है दोस्तों, जो कि चैनल 1 और प्लस चैनल 2 दोनों में दिया गया है दोस्तों। एम्पलीफायर के नीचे की तरफ दोनों तरफ आप लोगों को एयर पास के लिए ग्रिल दिया गया है दोस्तों, जिससे आपका जो इसमें एम्पलीफायर में हीट जनरेट होता है तो एयर पास से ठंडा हो सके दोस्तों। दोस्तों, हम लोग इस एम्पलीफायर के पीछे की तरफ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पर चैनल 1 और चैनल 2 का इनपुट के लिए बैलेंस इनपुट दिया गया है दोस्तों, और उसके बगल में स्पीकॉन आउटपुट दिया गया, जिससे आप लोग स्पीकर कनेक्ट करेंगे दोस्तों। और उसके बगल में आप लोगों को दो फैन मिल जाते हैं दोस्तों, जो एयर पास के लिए हैं, मॉड्यूल ठंडा करने के लिए दोस्तों। और एक पावर कोड का स्विच मिल जाता है दोस्तों, जो सॉकेट होता है, जो बोर्ड में लगा के पावर इनपुट लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग को इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को 2 ओम पर 1000 वाट मिल जाएगा, 4 ओम पर 800 वाट मिल जाएगा और 8 ओम पर 500 वाट का आउटपुट मिल जाएगा दोस्तों। ये एम्पलीफायर तीनों मोड पे चलता है, जो कि ब्रिज, स्टूडियो और पैरेलल मोड है दोस्तों। इस एम्पलीफायर में दोस्तों, आप लोगों को लिमिटर का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो कि स्पीकर डैमेज होने से या जलने से बचाता है दोस्तों। आप लोगों को इसमें 0 dB से लेके 4 dB तक का सेंसिविटी मिल जाएगा, जो कि इनपुट सोर्स पे मैनेज करता है, जैसे कि आपने बैलेंस इनपुट लगाया है कि अनबैलेंस इनपुट लगाया है दोस्तों। और इसके डंपिंग फैक्टर की बात करें तो इसका डंपिंग फैक्टर दोस्तों 200 है, जो कि एक हिसाब से कम है लेकिन टॉप्स के लिए अच्छा है दोस्तों। इसके फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो आप लोगों को 20 Hz से 20,000 Hz तक मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो साइज है 2U रैक का है और इसका वेट दोस्तों 19 किलो के आसपास मिल जाता है। और इसके प्राइस की बात करें तो दोस्तों, आप लोगों को 28,000 से 28,500 के बीच में मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके आउटपुट की बात करें तो आप लोग अगर हैंडमेड स्पीकर लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें 600 वाट के 4 कॉलम लगा के चला सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।